तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गार्डनिंग मेक यू फील हैप्पी में। तो आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि कौन सी कॉमन मिस्टेक्स है जो जाने अनजाने हमसे होती है जब हम कैक्टस को परचेज करते हैं या अपने किचन गार्डन में जब ऐड करते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। जब हम कैक्टस परचेज करते हैं मार्केट से, तो हमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या ध्यान ही देनी है कि हम इनको परचेज करें तो एटलीस्ट परचेज करने के इमिडिएटली हमें रिपोर्टिंग ना करें। रिपोर्टिंग कम से कम एक या दो महीने के बाद ही करें। स्पेशली विंटर्स में तो आप जब तक क्लाइमेट एक मॉडरेट टेम्परेचर अचीव नहीं हो पाता तब तक आप बिल्कुल भी रिपोर्टिंग ना करें। अगर आप अक्टूबर नवंबर में खरीदते हैं कैक्टस तो आप उस टाइम पे रिपोर्टिंग ना करें। आप रिपोर्टिंग करें फरवरी मिड से अप टू सितंबर अक्टूबर आप कर सकते हैं। विंटर्स में अवॉइड कीजिएगा। ये हम कॉमन मिस्टेक करते हैं कि आप नर्सरी से प्लांट ले आते हैं और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि आपका प्लांट डल हो गया और कभी कभी टाइबैक भी कर जाता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट रीजन है इसमें, जो कैक्टस हमारा डाईबैक हो जाता है, कि हम जो पॉट में ओवर वाटरिंग कर देते हैं। एक्चुअली कैक्टस एक स्ट्रेस लविंग प्लांट है और इसको पानी की जो रिक्वायरमेंट रहती है काफी मिनिमम रहती है। इवन इसके जो लीफ आप देखेंगे स्पाइंस हैं, जो ये मॉडिफाइड लीव्स हैं। तो आपको करना क्या है कि वाटर रिक्वायरमेंट इसकी मिनिमम रखिए। विंटर्स में तो आप मंथ में केवल एक बार वाटरिंग दीजिए इसे और समर्स में 15 डेज के इंटरवल पे। ये हम दूसरी मिस्टेक करते हैं। और तीसरी मिस्टेक जो हम करते हैं कि हम पॉट का साइज काफी बड़ा रखते हैं। अगर यहाँ आप देख पा रहे हैं तो मैं पॉट का साइज छोटा रखा हुआ है। होता है अगर आप पॉट का साइज ज्यादा बड़ा रख देंगे तो आपने कभी ओवर वाटरिंग पानी में आप कर देते हैं तो दिक्कत ये होगी कि रूट रॉट की कंडीशन आपको देखने मिल सकती है कैक्टस में। तो आपको पॉट का साइज एज कम्पेयर टू प्लांट के हाइट और वेट के हिसाब से देखना है। ज्यादा आप बड़ा पॉट ना लें, एक मीडियम रेंज का पॉट आप ले सकते हैं जिससे कि आपका प्लांट भी वहां अच्छा चलेगा और उसमें कोई रूट रॉट की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। एक और मेन प्रॉब्लम आती है इसमें जो हम देखने को मिलती है हमें, कि फ्रीक्वेंट रिपोर्टिंग कैक्टस को बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको रिपोर्ट करना है कैक्टस 2 या 3 साल के इंटरवल के बाद ही। अंटिल आपका का जो पॉट साइज है पूरा कवर हो गया प्लांट से तो अलग केस है, अदरवाइज आपको उसे रिपोर्ट करना है 2 या 3 ईयर्स के इंटरवल में। अगर आप देख पा रहे हैं मेरा एक गोल्डन बैरल कैक्टस का प्लांट है, इसको 2 से 2.5 साल के बीच में हो चुका है और इस अमेरिक के पॉट में लगा हुआ है। मैंने अभी तक रिपोर्ट नहीं किया है, मैं इस साल मार्च में से रिपोर्ट करूंगा। तो आपको कोशिश ये करनी है कि फ्रीक्वेंट रिपोर्टिंग ना करें। अगर करते भी हैं तो आप देख लीजिए टेम्परेचर, एनवायरमेंट टेम्परेचर कैसा है, वो आपका ऑप्टिमम होना चाहिए, अदरवाइज आपका प्लांट डाईबैक कर जाएगा। और लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट जो रीज़न है वो है इसका सॉइल। जो आप सॉइल रखेंगे वो बिल्कुल वेल ड्रेन और पोरस होनी चाहिए। अगर आपकी सॉइल वेल ड्रेन और पोरस नहीं होगी तो आपका कैक्टस डाईबैक कर जाएगा। तो आप करना क्या, अगर सॉइल की हम बात करें तो आपको 60-70% आप इसमें सैंड ही यूज कीजिए और द रिमेनिंग परसेंट जो है उसमें आप वर्मी कंपोस्ट यूज कर सकते हैं, नीम खली यूज कर सकते हैं और पेबल यूज कर सकते हैं। अगर आपको सिंडर अवेलेबल हो आपके लोकल मार्केट से नर्सरीज पे तो आप सिंडर भी यूज कर सकते हैं। और सैंड का रेशियो जो है हमारा 50-60% या 70 आसपास हम यूज कर रहे हैं उसको आप कम कर सकते हैं, उसके अलावा सिंडर को यूज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं कैक्टस की नेचुरल ग्रोथ आ रही है, काफी अच्छी आ रही है, कलर भी आप काफी वाइब्रेंट है। ये चिनोपिस की वैरायटी है, हाँ देख पा रहे होंगे इसमें बेबी पप्स भी निकल रहे हैं। आपको करना का आपको प्रोपोगेट भी करना है तो आप इजीली प्रोपोगेट भी कर सकते हैं इसको फरवरी मार्च के बाद। आपको बेबी पप्स को डिटैच करना है प्लांट से और उसके बाद 2 या 3 दिन के लिए इनको ड्राई के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद सॉइल में प्लेस कर दीजिएगा। ये मेरा है फिश हुक कैक्टस। आप देख पा रहे इसके जो स्पाइंस हैं वो फिश हुक के टाइप के हैं, इसलिए इसका नाम फिश हुक कैक्टस पड़ा हुआ है। ये भी काफी अच्छा था दिखने में। ये है मेरा गोल्डन बैरल कैक्टस, फिर ये है पीनट कैक्टस। आप देख पा रहे हैं ग्रीन और रेड कलर का है इसमें कलर्स में। जो आपका ये पिगमेंट डेवलप होता है कैक्टस में वो मेन रीजन ये रहता है कि थोड़ा आपको प्लांट को स्ट्रेस में रखना है। एक्चुअली एक स्ट्रेस लविंग प्लांट है, जितना ज्यादा आप प्लांट को स्ट्रेस देंगे उतना ही नेचुरल कलर डेवलप होगा। जो रेड कलर में आप देख रहे हैं ये स्ट्रेस की वजह से डेवलप होता है, ये मोर प्रोमिनेंट हो जाएगा अगर आप जितना ज्यादा इसको स्ट्रेस देंगे प्लांट को। इसके बाद हमारा है ये फेरी टेल कैक्टस, पीछे अगेन इचिनोपिस की वैरायटी है।
और ये है हमारा बनी ईयर कैक्टस। इसको भी आप प्रोपेगेट कर सकते हैं इजीली। आपको करना क्या है कि जो पैड्स हैं इसके, आपको पैड को डिटैच करना है, लीव इट फॉर 2 डेज फॉर ड्राइंग। उसके बाद सॉइल में आप प्लेस कर दीजिए इसे, ये इसे जर्मिनेट कर जाएगा, इसे रूट्स आपकी निकलेंगी और आपको एक बेबी प्लांट मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑल।